गाइस आज हम लोग साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं मिरर का. मींस दोनों जो मिरर हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, उनके आज हम लोग साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं और साथ ही एक ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे शॉर्ट वे में जितना भी साइन कन्वेंशन है वो कैसे याद रखा जा सके. तो सबसे पहले देखते हैं कनकेव के लिए. तो कनकेव का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो हमेशा याद रखिए कि कनकेव का जो फोकल लेंथ होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा. ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस्ड होगा. ये सारे के लिए फिक्स है, चाहे लेंस हो मिरर हो. ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी होता है. ठीक है, तो सारा डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर होगा वो पॉजिटिव लिया जाता है. सारा डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिया जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है. अब ऑब्जेक्ट को जब हम लेफ्ट में रखे हैं तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इट मींस लेफ्ट टू राइट. तो जितने भी डिस्टेंसेज लेफ्ट टू राइट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जितने भी डिस्टेंसेज जो राइट टू लेफ्ट होंगे वो सारे डिस्टेंसेज नेगेटिव होंगे. बस ये चार और पांच साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है. सबसे पहला, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑलवेज लेफ्ट साइड प्लेस किया जाता है, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे कैसा भी मिरर हो, कैसा भी लेंस हो. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट, जब हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो जो इंसिडेंट रे होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, और लेफ्ट टू राइट वाले सारे डिस्टेंसेज जो होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे और राइट टू लेफ्ट वाले सारे डिस्टेंसेज नेगेटिव लिए जाएंगे. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले जो डिस्टेंसेज होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंसेज होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे. और आपको पता ही होगा कि सारा डिस्टेंस जो होता है वो पोल से मेजर होता है. जिस तरीके से स्केल में जो जीरो पॉइंट होता है उसी तरीके से पोल को एज अ जीरो पॉइंट ओरिजिन लिया जाता है कोई भी चीज को मेजर करने के लिए. सेम केस होगा आपका कन्वेक्स के लिए. इसमें भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका लेफ्ट साइड में प्लेस होगा, सारे डिस्टेंसेज जो अबव मेजर होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, लेफ्ट टू राइट वाला जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और राइट टू लेफ्ट वाला जो डिस्टेंस होगा उसको नेगेटिव लिया जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा. ठीक है, तो दोनों के लिए सेम है. तो ये थोड़ा सा ब्रीफिंग था. अगर आपको इसमें समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं. चलिए हम इसको शॉर्ट में कैसे याद रख पाएंगे और कैसे याद रख सकते हैं उसका एक ट्रिक देख लेते हैं. मैं फिलहाल सिर्फ मिरर्स के बारे में बता रहा हूं. एक साइड मैं लिख रहा हूं कनकेव मिरर और दूसरी तरफ लिख रहा हूं कन्वेक्स मिरर. ठीक है, अब क्या क्या चीजें होती हैं जिनका हम लोग को साइन पता होना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि यू होगा, इमेज डिस्टेंस जिसको हम वी लेंगे, फिर फोकल लेंथ होगा जिसको हम एफ लेंगे, उसके बाद एच आई होगा हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस तरीके से ये एक दो तीन चार पांच चीज है उसी तरीके से इधर भी यू होगा, वी होगा, एफ होगा, एच आई होगा और एच ओ होगा. कनकेव मिरर, जहां तक बात आता है कनकेव मिरर का, तो आप देख सकते हैं कि इसका फोकस जो है वो यहां पे है. ठीक है, तो फोकल लेंथ कैसे मेजर होगा, इस डायरेक्शन में मेजर होगा, पोल के इधर. और जैसा कि यहां इंडिकेट किया जा रहा है कि जो भी डिस्टेंस इधर से मेजर किए जाते हैं वो सारे डिस्टेंसेस को नेगेटिव लिया जाता है. इसका मतलब इसका फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव होगा. तो आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ जो होता है कनकेव मिरर का वो नेगेटिव होता है, और उसके ठीक उल्टा जो है वो इसमें है. इसमें जो फोकस है वो यहां है, तो इस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है जो कि पॉजिटिव होगा. तो इस तरीके से आप इसको अपोजिट वे में याद कर सकते हैं कि कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है. अब कुछ जो चीजें फिक्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, तो ये डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगा. तो चाहे कोई भी कैसा भी मिरर हो, यू हमेशा नेगेटिव होगा. तो ये तो ऑलवेज वाला केस है, ये फिक्स है. तो इसको आप याद कर लो कि यू जो होगा वो चाहे जो भी मिरर हो, हमको वो नहीं पता, बट यू जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा. तो पहला चीज हमको पता चल गया दोनों में कि यू दोनों में नेगेटिव होगा.
उसके बाद f पता किए हम कि f जो है वो कनकेव के लिए नेगेटिव है और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं HO पे। HO आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे और ऊपर वाले डिस्टेंसेज जो होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, पॉजिटिव, और नीचे वाले डिस्टेंसेज नेगेटिव। तो ऑलवेज ऊपर रखेंगे तो HO फिर से चाहे जैसा भी लेंस हो, मिरर हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो HO ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो सो फार अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं कि यू ऑलवेज नेगेटिव होगा और दोनों में, कनकेव में भी कन्वेक्स में भी। दूसरा हमको पता चला कि HO ऑलवेज पॉजिटिव होगा चाहे कनकेव लेंस मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। उसके बाद फोकस, कनकेव का याद रखना नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये जो V होता है वो डिपेंड करता है और ये जो HI होता है और HO जो होता है वो डिपेंड करता है। आप देखो V यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी इमेज डिस्टेंस। तो इमेज जहां अगर नीचे बनता है, ठीक है, अगर मिरर है तो अगर सेम साइड इमेज बनता है तो वो रियल होता है और अगर दूसरी तरफ बनता है, मान लीजिए यहां बनता है, तो वो वर्चुअल होता है। तो हमको यहां सिर्फ याद रखना है कि अगर इमेज रियल है तो वो होगा नेगेटिव और अगर वर्चुअल होगा तो वो होगा पॉजिटिव। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यू ऑलवेज नेगेटिव इसके लिए, वी अगर रियल होगा तो नेगेटिव होगा और वी अगर वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव होगा। एफ कनकेव के लिए नेगेटिव होता है। अच्छा, एच आई इसी पे डिपेंड करता है, जो आप वी के लिए केस लोगे वही आप एच आई के लिए लोगे, क्योंकि जो रियल होगा वो इन्वर्टेड भी होगा। इन्वर्टेड मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो अगर ये रियल है तो इन्वर्टेड होगा, इट मीन्स नेगेटिव, और अगर वो वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट होगा यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव। तो क्या क्या सो फार हम लोग को अभी तक पता चला कि यू नेगेटिव सब दोनों केस में होता है, वी अगर रियल है तो नेगेटिव होगा और वर्चुअल है तो पॉजिटिव होगा। सेम केस अप्लाई होगा एच आई में, अगर रियल होगा तो नेगेटिव होगा, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव होगा। और एफ इसका याद रखना कि नेगेटिव होता है और एच ओ चाहे जो भी हो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब कनकेव में ही सिर्फ आपको इतना बर्डन झेलना पड़ेगा याद करने में, इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे? तो देखो एच आई, अब हमको पता है कि कन्वेक्स जो है वो ऑलवेज कैसा इमेज बनाता है, तो वो ऑलवेज वर्चुअल बनाता है। तो जब हमेशा वो वर्चुअल बनाएगा तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब वर्चुअल बनेगा तो ऑलवेज जो इमेज होगा वो वर्चुअल इरेक्ट होगा और इरेक्ट होगा तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो कन्वेक्स मिरर को याद रखना बड़ा इजी है, सिर्फ याद रखना कि यू जो होता है वो चाहे लेंस हो, मिरर हो, कोई भी कैसा भी हो, वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए कन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव होगा। बाकी इसमें तमाम चीज वी, एफ, एच आई, एच ओ सब पॉजिटिव होगा। आप देख रहे हो वी भी पॉजिटिव है, एफ भी पॉजिटिव है, एच आई भी पॉजिटिव है और एच ओ भी पॉजिटिव है। अब बात रहा कनकेव का, तो कनकेव के लिए आप सिर्फ याद रखना कि इसका एफ नेगेटिव होता है और यू ऑलवेज नेगेटिव, एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव, जनरल केस है ये, और सिर्फ ये दोनों को रिलेट कर लेना कि रियल होगा तो नेगेटिव, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव, रियल होगा तो नेगेटिव, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव, दैट्स इट। इस तरीके से आप इसको चार्ट बना सकते हैं और इजी वे में लर्न कर सकते हैं और जब भी न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो इसको आप अपने साथ रखिएगा ताकि इजी, और बहुत इजी है लर्न करना, तो ज्यादा देर नहीं लगेगा। अगर आप तीन चार भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज को कैसे लेना है और क्या करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं एक वो जो थंबनेल होगा उसमें भी मैं इसको पिन कर दूंगा, डाल दूंगा।